हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। को भाई समय हो रहा है 11:08। आज इतना टाइम लेट इसलिए हो गया क्योंकि भाई मैं सुबह सोया था 5 बजे और अभी उठा हूँ 10 मिनट पहले, क्योंकि नींद भी पूरी करनी भाई जरूरी है। और भाई साहब देखो अभी भी सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि गाइस ये सुबह 6 बजे आए हैं भोपाल से जर्नी करके और नहा धोकर सो रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और आज चाय भाई मैंने खुद गर्म करके खुद ले आई है, ये देखो मस्त हैवी दूध वाली। तो चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। घर के सब काम निपटाकर नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत। और जब सुबह लेट उठो ना तो सब काम लेट होते जाता है, लेट होते जाता, पर सब काम निपटा लिए हैं और हो गई भाई अच्छी खासी दोपहर। और ठंडी वाला मौसम जा ही नहीं रहा, सनन सनन भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज ठंडी है भाई। और ठंडे पानी में जब काम करो ना पूरी उंगलियां जो होती ना हाथ पूरे अकड़ जाते हैं, पानी छूने की इच्छा नहीं हो रही, पर पानी के बिना भाई कोई काम संभव नहीं है, तो ठंडी में सब कुछ सहना पड़ता है। लंच टाइम हो गया है, दोपहर के खाने का टाइम, और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। तो बताता हूँ क्या बना है भाई। बनी है पालक की दाल, टमाटर का सलाद, आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी है, मूली का सलाद है, ये है पापड़, और भाई ये है चावल। तो पूरी थाली लबालब भरी हुई है। भाई साहब ने भाई अच्छी गहरी नींद लेने के बाद उठे, मुंह हाथ धोके भाई इनका लंच वंच सब हो गया है। भाई साहब नींद पूरी भाई की नहीं भाई, ये बता। बढ़िया शानदार हो गई भाई। मैं तो सुबह आया हूँ, सबसे पहले फ्रेश हुआ तुरंत ही, और तुरंत ही नहा करके अंदर आकर के भगवान जी को प्रणाम किए और आकर के अपन सो गए। सही बात, आज वैसे भी संडे भाई, बहुत दिन बाद संडे मिला है आराम कर। हाँ संडे को वैसे भाई साहब बाहर जाते थे है ना, और बढ़िया आज सोने में कर दिया भाई। तो मेरी आज हो गई छुट्टी, सरकारी छुट्टी मिल गई हमको, बढ़िया आराम से जम के सोया हूँ। अब जो है फिर सूजन टाइप की लग रही है यार, हल्की सी मेरे को सीट से भाग दौड़ की भाई। रात को इन्हें क्या है ना, बस में ट्रेवलिंग करी थी ना बढ़िया से, तो हो सकता थोड़ा बहुत ठंडी का असर तो आ ही जाता है। इतना लंबा कभी बैठ के मैं गया नहीं, तो क्या होता है कि कितना भी ना भी कितनी भी सुविधा हो फिर भी थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। शरीर तो भाई चरमरा ही जाता है, यहाँ से जाना फिर वहाँ दिन भर रहना, वहाँ से फिर दिन भर यहाँ करना, तब से मैं खड़ा ही खड़ा हूँ या तो बैठे ही बैठा हूँ। सही बात, आराम तो बिल्कुल किया ही नहीं हूँ बिल्कुल। जिम्मेदारी का काम भाई यही होता है, मोर्चा संभालना। और देखो ट्विस्ट बनियान पहनी हमने, दोनों इनर पहनी, भाई साहब ने वी गला मैंने गोल गला, क्योंकि भैया ठंडी पड़ रही, बिना इनर के तो मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब मैं उठा, अब मैं ना व्हाट्सएप पर 2 दिन से देखा नहीं हूँ। हाँ। अब बैठ के देखूंगा भाई किसने क्या मैसेज भेजा है, किसको क्या रिप्लाई करना। अब व्हाट्सएप भी जरूरी है भाई मैसेज चेक करना। तो चलो वो काम कर लो, हम अपना दूसरा काम करते हैं। हो गई है अंधेरी वाली शानदार शाम, और शाम होते ही लगता भाई कुछ गर्मा गर्म पीने को मिल जाए शानदार मस्त आधा गिलास, पर भाई बनी बनाई कोई चीज नहीं मिलती, उसको बनाना पड़ता है। तो शानदार चाय देखो ये बन रही है बढ़िया, अभी दूध डालते 5 मिनट हो गया है, चाय मस्त खोल रही है, कलर बहुत शानदार है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मन कर रहा था भाई कुछ चटपटा सा और कुछ कुर्रम कुर्रम टाइप का खाया जाए, तो भाई साहब बोले पापड़ तल देते हैं यार बहुत शानदार, उसके ऊपर डाल देंगे मसाला। तो ये देखो भाई शानदार पापड़ तल रहे हैं, बढ़िया स्वादिष्ट है, और उसके ऊपर डलेगा भाई ये वाला मसाला। उसके बाद तो पापड़ भाई बहुत जान आती है भैया, ये डालने के बाद तो मजे ही आ जाता भाई। ये सोचो सब नमक है, चटपटा है, ये चटपटा है, इसमें मिर्ची भी आती है, इसमें सब कुछ स्वाद आता है, पापड़ बहुत बढ़िया लगता है। काली मिर्च मिली, और ये लो भाई पापड़ हमारा तल गया, और ऐसे टुकड़े में तलेंगे, और ये पूरे पापड़ ये रखे हैं भाई, एक डिब्बा पापड़ जो है ना हमारा 3 दिन में खत्म हो गया भाई साहब। बड़ा वाला पैकेट एक और खोल दें क्या, कितने में हो जाएगा? खोल के भर दो इसके अंदर, तब तो खा लेंगे उसको। अच्छा हाथ वाथ धूप दिखाना ठीक रहता है, जरूरी होता है। तो भाई ये बहुत बढ़िया पापड़ है, स्वादिष्ट है, चटपटे है, और मसाला डालने के बाद तो ऐसा कुर्रम कुर्रम खाओ, बड़ा मन फेवरेट हो जाता है। क्यों भाई साहब? मन चेंज हो जाता है कुछ खाने के बाद में, मुंह में थोड़ा सा स्वाद आता है। तो भाई ये पापड़ ऐसे भाई सब तलते जाएंगे और पूरी थाली भर देंगे, और उसके बाद डालेंगे मसाला और सब बैठ के खाएंगे बढ़िया कुर्रम कुर्रम पापड़। मैंने भाई साहब से बोला चलो यार चलती है छत पे, 10-20 चक्कर लगा के आते हैं, आधा पौना घंटा वॉक करते, मौसम भी बहुत शानदार है। और अंदर बैठे बैठे ना अजीब टाइप का लगने लगा है भाई। भाई मैं तो सुबह तो सोते सोते मेरा दिमाग सुन, हाँ मैंने कितना सो के, एक काम करो चलो अपन बढ़िया ना घूमते हैं, जितनी देर इच्छा करी उतनी देर घूम लेंगे, ठंडी लगे है, थोड़ा वॉक करेंगे ना तो दिमाग भी फ्रेश होगा और ताजी हवा में थोड़ा कांटेक्ट होगा भाई, अंदर ही बैठे बैठे काम करते करते। और ये तो दिन भर सोते सोते ना दिमाग सुन्न हो गया है ऐसा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल को रखता हूँ बढ़िया नीचे टेबल पे चार्जिंग में लगा देता हूँ ठीक है, और ऊपर फ्री हैंड घूमते हैं मस्त, आधा पौना घंटा एक घंटा जितनी भाई साहब की इच्छा होगी मस्त घूमेंगे या वॉक करेंगे ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा,
खुली हवा में। ठीक है भाई साहब, चलो तो मोबाइल को रखते हैं, हम जाते हैं छत पे, बस तो वॉक करके आते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। हम लोग बढ़िया भाई, सब लोग एक पलंग पर बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह से क्या है सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो एक साथ बैठना होता नहीं है। तो बढ़िया भाई साहब भी बैठे और यहाँ बैठी है भाई मम्मी जी। मम्मी जी की कल की अपेक्षा भाई आज तबीयत ठीक लग रही है मम्मी है, तो चेहरा भी देखो ठीक लग रहा है ना बुखार में। कल बीपी बढ़ गया था, शुगर भी बढ़ गया था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी भाई। आज तो मम्मी जी ठीक लग रही, बढ़िया देखो तंदुरुस्त भी लग रही है, और फोन वोन पर बातचीत हो गई बढ़िया से, तो दिमाग भी फ्रेश हो गया। बात है ना, घर वालों से बात कर लिए, रिश्तेदारों से बात कर, माइंड फ्रेश हो गया। हाँ भाई, गप्पे मारने से दिमाग फ्रेश होता है, आज मम्मी स्वस्थ हो गई है, अच्छी लग रही, दवाई असर कर गई भाई बढ़िया। मेरे को लग रहा मोबाइल एक दिन बंद हो गया तो उसी का असर हो गया, बीमार पड़ गई थी, मोबाइल ठीक हो गया, उसका ठीक हो गया सर भाई। हाँ सही बात है, और भाई ऐसे गप्पे मारने में ना थोड़ा सा और बॉडी रिचार्ज हो जाती है, बढ़िया दिमाग फ्रेश हो जाता है, नहीं तो सुबह से मेरा दिमाग ना सुन ऐसे मेरे दिमाग में क्या जैसे घंटी बजे बिल्कुल सुन्न हो गया है, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। सुबह से देखो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ ज्यादा ब्लॉग भी नहीं बन पाया, और ऐसा कुछ ज्यादा जरूरी काम भी नहीं हुआ। नहीं नहीं सुनो तो, आज क्या हुआ, पहले क्या होता था काम कर लो तो दिन में समय नहीं मिल पाता था ब्लॉग बनाने का, तो आज काम भी ज्यादा नहीं हुआ और ब्लॉग भी नहीं बना, दिमाग आराम करने में दिन भी हो गया पूरा, सुनने को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 8 घंटे सो गया हूँ आज ये ना भाई, बताया तो वो कुंभकर्ण बेचारा ऐसे ही बदनाम है, ठीक है, असली तो ये सो रहे कामी है, कुंभकर्ण को तो ऐसे ही बदनाम करके लोग रखते हैं। हाँ भाई, ट्रेवलिंग के बाद सोना जरूरी है, फिर कल से क्या है ना ऑफिस का काम चालू हो जाएगा, तो बॉडी में एनर्जी बहुत जरूरी है, ऑफिस खेलेंगे। और मम्मी जी स्वस्थ हो गई, बढ़िया लग रहा भाई, टेंशन फ्री, इनकी तबीयत खराब हो जाती पूरा घर ना टेंशन से बाहर, दिमाग कुछ काम नहीं करता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और भाई साहब आज का दिन तो भाई मेरे हिसाब से ना बोरिंग डे रहा, पूछो क्यों, क्योंकि ज्यादा ब्लॉग चला नहीं ब्लॉग बन नहीं पाया, दिन भर भाई ऐसी ऐसे निकल गया, दिमाग पूरा सुन्न पड़ा है, और हल्की हल्की ना ठंडी में तबीयत सी भी खराब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है आराम करो कुछ ना करो। रात को ठंडी को ज्यादा बढ़ गई, बहुत खतरनाक ठंडी पड़ी थी भाई, बहुत खतरनाक ठंडी पड़ी थी। डिनर टाइम हो गया है, रात्रि भोजन का समय, और गर्मा गर्म थाली मेरे हाथ में है, दाल चावल भाई मैंने दोनों को एक में मिक्स कर लिया है, आलू गोभी टमाटर की सब्जी है, आंवले का अचार, और ये है पापड़, और भूख लगी है बहुत जोर से, तो फटाफट चलते हैं और डिनर फिनिश करते हैं। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग, आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।